बाबूजी शेखर भैया है कहाँ? दरअसल क्या बात है माँ, शेखर भैया का नाम आते ही सब बोलना काहे बंद कर दे रहे हैं? कौनो बात है का? रत्ना काहे परेशान हो रही हो? मैंने बोले है ना तुमसे कि काम से गया है पास के गांव में, आता ही होगा, परेशान काहे हो रही हो? क्या राजकुमारी रत्ना जी, बहुत ही मजा आ रहा ना बढ़िया से खा पी के, और आप लोग भी। अरे ई नहीं कि राजकुमारी जी से बात करें कि काहे बेमतलब जिद्दी आ जाती हैं। वैसे यहाँ तो सारे मामले ही उलट हैं, भाई जो मन आए वो करो, जेकरे बाद जेकरे पेट में भूडो लाए झेलो। बाबूजी अब आप ही बताइए कि पढ़ाई करना कोनो खराब बात है का? बुचिया और पढ़ना है सब किताब जनिया मंगा लो, यहाँ बैठ के पढ़िए, अच्छे से घर संभालना भी सीखो। काहे से कि अब आपका ब्याह होगा बहुत जल्दी, तुम अपने घर चली जाओगी, तुमको अच्छा लगेगा कि कोई कहेगा कि आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं सिखाया। पर बाबूजी हमारे ब्याह में तो अभी बखत है ना। अरे तुम्हारा ब्याह तो पिछले साल ही हो जाना चाहिए था। तुम्हारी बुआ बिल्कुल सही कह रही है, जल्दी ही तुम्हारे ब्याह का रिश्ता देखेंगे हम। ये जरूरी है का बाबूजी? हमारी इच्छा का कोनो मतलब नहीं। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते, बस ये जान लो कि हमारी इस हवेली माँ घर की बिटिया का कुछ कायदा कानून कुछ नियम है, उसको तुम्हें भी मानना पड़ेगा, उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। का बना रहे छोटे ठाकुर? रत्ना से मिलोगी तो खुद ही पता चल जाएगा का है। जब रत्ना से मिलेंगे तो उसे ही देंगे, देखना कितना खुश हो जाती है। वक्त तुम्हारे लिए भागा दौड़ी ठीक नहीं है। क्या है? सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पैर भारी है। हमरा पेट में कोनो बच्चा उच्चा नहीं है अभी, जब भी बच्चा होने वाला होगा ना तुम्ही को बुलाएंगे देखभाल के लिए। रत्ना! 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 उसे मिलना है तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी और हवेली में दाखिल होना पड़ेगा। हमको कौन प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुदा ही आएगी हमसे मिलने। रत्ना! रत्ना नहीं आएगी। तैयार हो तो बोलो। देखिए बाबूजी, आप अपना और हमारा दोनों का वक्त खराब कर रहे हैं। आप रत्ना को बाहर भेजिए चुपे चाप, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। शेखर बबुआ,